सो है गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है और फनी भी होने वाली है कि तुम लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे, लिटरली बता रहा हूँ। तो सीन क्या होने वाला है ना आज की इस वीडियो में, मतलब मैं किसी के साथ रिएक्ट करने वाला हूँ। अब वो किसी, तुम लोगों को पता चल गया होगा कि वो कौन है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 3, 2, 1, ये इसके साथ मैं, यानी कि इनके साथ मैं रिएक्ट करने वाला, मेरी बहन के साथ। तो वो मुझे बहुत बोलते रहती है हमेशा कि भैया आप कैसे बात करते हो, अच्छे से बात करो, ये करो वो करो। तो देखता हूँ कि मैं पहले कैसे बात करता था, अभी कैसे बात करता हूँ। और ये मैडम, ये जो पीछे आप देख रहे हो, ए इधर आ डेजी, इधर आ। हाँ तो ये आप देख रहे हो, ये हमेशा मेरे वीडियो में रहती है। तो मैं इसके साथ भी बैठने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि क्या होता है। क्योंकि आपने कोई भी वीडियो देखो मेरे सेकंड चैनल का, उसमें आधे से ज़्यादा वीडियो में ये रही ही है। कभी कुछ भी कर लो, कभी कभी यहाँ रहेगी, कभी इस बेड पे रहेगी, मतलब आप देखोगे नोटिस करोगे तो रहेगी, ऐसा नहीं है। शॉर्ट्स को छोड़ के, हाँ शॉर्ट्स को छोड़ के बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये महारानी बैठ गई है। हाँ तो इसके साथ भले ही ये ना देखे कोई बात नहीं, बट ये भी एक हम लोगों का, मेरे वीडियो का एक हिस्सा है। क्योंकि और इनका तो मतलब शुरुआत हुआ जैसे ही जब ये आई तभी मेरे व्यूज अच्छे खासे बढ़ने लग गए थे, व्यूज जो भी है ग्रोथ करने लग गए थे। तो एक इनका भी जो है सपोर्ट है मुझे बहुत, क्योंकि मेरा जैसे ही व्यूज बढ़े। तो अभी बात ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि पहले वाले चैनल पे है, आप लोगों को यहाँ पर आ रहा होगा। स्टार्टिंग से तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इंट्रो था, मुझे पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था कि इंट्रो कैसे रखना है। इंट्रो में भैया पहले सॉन्ग डालते, बिल्कुल भी नहीं थे, डायरेक्ट फोटो आ जाता था। हाँ बट आगे जाकर डालने लग गया, बट उसका भी उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। पहले तो 20 सेकंड का इंट्रो था, मतलब इतना बड़ा, समझ सकते हो इतना बड़ा इंट्रो। आगे देखते, मेरा नाम अभिनव मौर्य है और मेरी एज 13 है। आज की वीडियो में मैं आपको अपना कुछ, देख सकते हो आप लोग जैसे कि मैं कितना एकदम शांत स्वभाव का था। और यहाँ पर मैं जो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी और मेरी मम्मी की पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट है। ये मेरी मम्मी को मैंने मदर्स डे पे गिफ्ट किया था। एंड हाँ, ये मैंने जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हो ये मदर्स डे पे बनाया था, मदर्स डे पे गिफ्ट किया था। ये विराट कोहली की पोर्ट्रेट है जो मैंने बनाई है, ये अब्राहम लिंकन की पोर्ट्रेट है। इतना स्लो बोलने जा रहा हूँ मैं जैसे कि कैमरा से अभी कोई खा जाएगा मुझे। फिर से विराट कोहली की पोर्ट्रेट है। सो गाइस, ये कुछ मेरी ड्राइंग थी, कैसी लगी आपको? इंट्रो ज्यादा बड़ा लग रहा है ना, लेकिन आप देख सकते हो जैसे कि मेरे एकदम छोटे से बाल थे। मैं खुद ही एटलीस्ट कितना अभी एक साल पहले 12 ईयर्स का रहूँगा, इतना तो होगा ही। क्योंकि कोई भी ऐसा लड़का
टेंथ या ट्वेल्थ का ही हो सकता है। हम लोग इधर वीडियो बना रहे हैं और उधर देखो क्या चल रहा है। एंड हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ। वीडियो बना रहे हैं और ये एंड हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं और ये इसका अलग ही चालू है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये जो है फर्स्ट वाली वीडियो थी मेरी, अब मैं ये वीडियो लगा रहा हूँ जिसमें मैंने ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में बताया था अपने। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आपके ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में। एंड पहला जो इंट्रो था मेरा ये था। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अपने ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मेरे पास ड्राइंग मटेरियल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, अभी मैं आपको कुछ अपने ड्राइंग मटेरियल्स दिखाने जा रहा हूँ। सो यही कुछ वीडियोस देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मेरा जो एक है कैमरा क्वालिटी प्लस बोलने का तरीका पहले से ज़्यादा अच्छा और बेहतर है और अच्छा बनाना है मुझे। और इसको इतना ही कुछ, अब आगे देखता हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स उस टाइम देखो मुझे एडिट नहीं करने आता था। मतलब जैसे आज मैं PIP लगा देता हूँ, जैसे कि ये वाली रेफरेंस या वो वाली रेफरेंस का, तो PIP लगा देता हूँ। बट उस टाइम मुझे बिल्कुल एडिट नहीं आता था, सच बताऊँ तो खुद ही से एडिट करता था। मेरा कैमरा एंगल तो मतलब एकदम ही डूप होता था मेरा, क्या बताऊँ। गाइस, तुम लोगों को पता नहीं है, अभी बता देता हूँ। इस वीडियो, इस ड्राइंग को बनाने में ही लिटरली मुझे 10 आवर्स लगे थे उस टाइम पे, जब मैं मतलब चालू ही कर रहा था वीडियो, मतलब चैनल को ग्रो ही कर रहा था, इस चैनल पे काम ही कर रहा था। है ना, वो वाला घर अलग था, ये वाला घर अलग है। तो इस वाले घर की भी ड्राइंग Hey guys, welcome back to our new video and आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेयर्स के बारे में, हाउ टू ड्रॉ हेयर्स। एंड अभी मैं नीचे बैठा हूँ क्योंकि हमारे पास चेयर अवेलेबल नहीं है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेयर्स के बारे में। मैंने लिटरली TV पे 39 वॉइस पे रखा है और यहाँ पे बैठा हूँ, बट मुझे इतना कुछ सुनाई नहीं दे रहा। झूठ क्यों बोलूँ, खुद ही का वीडियो है, लेकिन बोलते ना। सो वीडियो को
स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 100 में से 40% पीपल्स हमें देखते हैं हमारी वीडियो को, बट लाइक कोई नहीं करता है इतना। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बहुत पहले बहुत एकदम बोला था मैं एकदम से, कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, बस वीडियो बनाओ और डालो। मेरा जितना तो मेरा ड्राइंग नहीं था उतना इंट्रो ही था, इतना बड़ा इंट्रो समझ रहे हो, 1 मिनट का ड्राइंग और 2 मिनट का इंट्रो। बहुत अटकता था और अभी भी मैं अभी भी अटकता हूँ। आई थिंक सो। सही बताओ, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखते, एक भी पेपर नहीं है हम लोगों के घर में स्क्रिप्ट वाला। हाँ तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग्स को सोचता था कि आर्ट्स में जितना नहीं है उतना तो ब्लॉगिंग में ही व्यूज है। हाँ इसीलिए मैंने उसको कंटेंट वीडियो, क्योंकि आप सोचो ना आर्ट में क्या व्यूज़ आता है, लोग देखते तो है नहीं ज़रा भी, सच बताओ तो। अब ये वीडियो भी जो बन रही है, इस वीडियो को भी अगर मैं पोस्ट करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देखेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें फ़न है, थोड़ा मस्ती मजाक है, थोड़ा जोक्स है, बट जो ड्राइंग की वीडियो होती है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू डे एंड आज की इस वीडियो में यही ड्राइंग करने वाला हूँ बस। और ड्राइंग करना चालू कर दिया, फिर बाद में ड्राइंग ख़त्म हो गई तो फिर बाद में आउटरो कर दो, वीडियो ख़त्म, बट ये नहीं देखते लोग कि उसमें कितना ज़्यादा टाइम जाता है। मतलब एक वीडियो को बनाने में ही मुझे 6-6 घंटा जाता है, एडिट करने में 2 घंटा, समझ लो आप, मतलब मुझे 7-8 घंटे तो जाते ही है और टाइम निकालता हूँ मैं, पता है। तो बस इतना ही बोलता हूँ कि कोई भी वीडियो गेमिंग की हो, ब्लॉगिंग की हो, या फिर आर्ट्स की हो वीडियो, हर किसी को पसंद किया करो। ऐसे मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी आप लोग जो भी हैं आप लोगों की मर्ज़ी। देखो गाइस, लोग जो मेहनत करते हैं ना, हमें उसको देखना चाहिए, या ना कि ये तो भाई कितना पका रहा है, ये वो ऐसा। वीडियो क्वालिटी नहीं है। हाँ वीडियो क्वालिटी नहीं है, कैमरा क्वालिटी नहीं है, कैमरा और वीडियोस ठीक है आजकल इम्पोर्टेंट रखते, बट आगे तो जाने दो इंसान को, आगे तो जाने दो। अभी मेरा 106th की 7th वीडियो आई है, तो आप इतनी अच्छी जो कैमरा क्वालिटी देख पा रहे हो मीडियम से ही, वो मेरे प्रोग्रेस करने की वजह से हुआ है। तो आगे बढ़ता हूँ, ये जो टीवी से देख रहा हूँ उसी टीवी का प्रमोशन मैंने इस वीडियो में किया था। सॉन्ग नहीं, वही तो मैं गलती करता था ना, इसीलिए लोग मेरी वीडियो नहीं देखते थे। अब ये जो वीडियो है ना जो मैं लगा रहा हूँ उसको 671 व्यूज आए थे, लाइक लिटरली मैं सोचा नहीं था कि पब्लिक इतना देखेगी,
आई डोंट नो कि इस थंबनेल में ऐसा क्या था, मुझे ना तो पहले थंबनेल डालना आता था ना तो कोई ऐसा टाइटल होता था मेरा. लाइक मैं तो सोचता था यूट्यूब पे सर्च मारता था कि थंबनेल होता क्या है. थंबनेल मुझे लगता था कि ये तो थंब होता है उसका, वो नाखून होता है. लेकिन वीडियो पे थंबनेल अंगूठे का नाखून क्यों डालते हैं भाई? अब इंसान जिसमें भी, गेमिंग में नूब हो, यूट्यूब में नूब हो, किसी में भी नूब हो, वो हर एक चीज़ सोचता ही है. बट अभी थोड़ा बहुत मैं एक्सपर्ट होने लग गया, थोड़ा बहुत एवरेज होने लग गया हूँ, तो मुझे समझ में आने लग गया व्हाट इज थंबनेल, व्हाट इज टाइटल. तो टाइटल का नाम है वॉइस ओवर इट, 671 व्यूज आए हैं उस पर. वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो. एंड बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी ड्राइंग्स की, एंड आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बताने वाला हूँ क्यों नहीं आ रही थी. एंड तब तक हाँ जी, ये मेरा दोस्त है, था एक्चुअली, अब वो मैं नहीं बताते बैठूंगा क्या हुआ क्या नहीं. यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छा गेमिंग करता है. एंड इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके चैनल का. लगेगा क्या? और इसके चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, इसका 1K करवा दो. अब याद आ गया मुझे, मैं पहले 50 सब्सक्राइबर के बारे में बहुत सोचता था कि अब जैसे मेरे 100 हो गए, 200 हो गए, बट मैं पहले सोचता था कि 50 भी एटलीस्ट हो जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेकिन मैंने इस जो चैनल पे है, इस चैनल पे ज़्यादा नहीं बोला कि भाई सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो. जो भी होगा मेरी मेहनत की वजह से होगा, ठीक है. और आप लोग अट्रैक्ट होंगे तो मेरी मेहनत जो है वो आप लोगों को अट्रैक्ट करेगी. 50 सब्सक्राइबर कर दो यार. 50 सब्सक्राइबर इम्पोर्टेंट है. तो आप बताना कि अगली वीडियो में आपको कौन सा ड्राइंग चाहिए, आपकी डिमांड पे मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा एंड आपको बताऊँगा कि क्यों नहीं आया मेरा वीडियो. वैसे तो ये बहुत मेहनत करता है, आज भी एक ड्राइंग बनाया जो कि फेल हो गया. एंड हाँ, ये जो फेल ड्राइंग बोल रहा है, मैंने विक्रम बत्रा की ड्राइंग बनाई थी उस टाइम पे वाटर कलर से, कभी बताऊंगा उसकी स्टोरी. बहुत बड़ा वाला फेल गया था, मीन्स क्या बोलते, इसलिए तो मुझे वाटर कलर जमता नहीं है ना. आगे देख, वाटर कलर मुझे जमता है. हाँ, जो मुझे नहीं जमता इसको जम जाता है, पता नहीं कैसे. मेरा वाटर कलर ड्राइंग अच्छी है, इसकी तारीफ ना. ये वाला जो था ये लास्ट वीडियो था मेरे फर्स्ट वाले चैनल पे, बाकी सब तो ये मैंने ऐसे डालता गया अभी ये सेकंड चैनल पे. हाँ, सेकंड चैनल पे चलते हैं. तो इस चैनल की फर्स्ट वीडियो मैं दिखाना तो चाहूँगा, लेकिन उतनी खास नहीं है, बिकॉज इसमें इंट्रो नहीं है, आउट्रो भी नहीं है. फर्स्ट वाले चैनल को मेरे को 10 days लग गया था इसी एक ही ड्राइंग को बनाने में. आई थिंक अपने को ये बाकी तो सेकंड चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है. आपने देखा? हाँ, बाकी तो वीडियो आपने देखा ही होगा. अगर नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिर देखो. मेरे तरफ से हाँ, तो वही सोचता हूँ, ये सब वीडियो देखता हूँ तो वही सोचता हूँ कि कैसे कैसे टाइम बदला, कैसे कैसे मेरा जो भी है बोलने का तरीका बदला, आगे जाकर और बेस्ट करने की कोशिश करूँगा. तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में. एंड हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि आपने इतना सपोर्ट किया गाइस, मतलब इतनी सारी वीडियो आप लोग देखते हो मेरी, और दो वीडियो जो KGF वाली वीडियो एंड जो मेरी बर्थडे वाली वीडियो, वो तो आप लोगों ने पूरी देखी है. बर्थडे वाली वीडियो नहीं, सॉरी, जो गणपति वाली ब्लॉग वाली वीडियो है. बहुत अच्छा लगता है मुझे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार. मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तब तक ले, बाय बाय.
सब्सक्राइब कर दो, बाय।